कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर में लगी भीषण आग। कॉम्प्लेक्स में आग से उठ रहे धुएं के गुबार। कॉम्प्लेक्स के ऊपरी फ्लोर के कोचिंग सेंटर में फंसे छात्र छात्राएं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का कर रही है प्रयास। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू करते हुए कोचिंग में फंसे 20 छात्र छात्राओं को निकाला बाहर। बिल्डिंग में सत्य सुजुकी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। ग्लोबल एकेडमी में फंसे सभी छात्र छात्राओं को निकाला गया सुरक्षित बाहर। सर भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो, भैया मेरी आइडिया डालो। सर आज कोचिंग चल रही थी यहाँ पर, इस बिल्डिंग में आग लगी, किस तरीके से आग लगी थी और क्या स्थिति है अभी? किस तरह से आग लगी ये तो अभी जांच का विषय है। जैसे हमें सूचना मिली हमने इमीडिएट, क्योंकि कोचिंग और शोरूम के लिए पहले जो प्रमा पे से हमको कॉल मिला कि एक शोरूम में और सेम ही बिल्डिंग में ऊपर कोचिंग चल रहा है उसमें आग है, तो इमीडिएटली हमने सेट पे सुन के इमीडिएटली आसपास के सभी स्टेशन से फायर टेंडर मूव कर दिए और पैरेलली साथ में मैं भी खुद आ गया। तो यहाँ आके अब बाकी आप मीडिया बंधु ने देखा ही होगा कि हम लोगों ने टोटल हेड काउंट 14 का हुआ है अभी, जो हमने रेस्क्यू एवैक्यूएट किए हैं धुएं से कोचिंग सेंटर से। ये ग्लोबल कोचिंग था, इसमें से हम लोगों ने बच्चों को रेस्क्यू एवैक्यूएट किया है सेफली, कोई ऐसा कोई इंजर्ड नहीं है सेफली। हम लोगों ने अपना एक्सटेंशन लेटर वगैरह और अपने फायर सर्विस की टीम के साथ एफर्ट्स के साथ उनको एवैक्यूएट कर लिया है। सर ये कमर्शियल बिल्डिंग है क्या, क्या फायर इक्विपमेंट इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं है किसी? ये तो जांच के विषय बाद में हम बात करेंगे। प्राइमरी बेसिस अभी हमको इवैक्यूएशन करना था जो कि हमने सफलतापूर्वक कर लिया। ये निश्चित रूप से जांच का विषय बाद में बात की, सभी को सेफली जांच बाहर निकाल भी लिया है और एक फाइनल हमने सर्च भी कर लिया है कि अभी भी कोई फंसा तो नहीं था धुएं में, तो अभी हमने प्रॉपरली देख लिया कोई अभी कोई संभावना नहीं है वहाँ कोई फंसा। थैंक यू। काबू किया गया और थाना बर्रा क्षेत्र में एक ये ग्लोबल करियर एकेडमी करके कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलती है। इस बिल्डिंग में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही थाना बर्रा पुलिस और फायर सर्विस की 4 गाड़ियाँ यहाँ पर तत्काल पहुँची है। सर्वप्रथम फायर सर्विस वालों ने कोचिंग क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बाहर से सीढ़ी लगा के सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। आग बेसमेंट में लगी थी, कोचिंग क्लास में नहीं लगी थी। बेसमेंट से जो आग लगी थी उसका धुआं ऊपर तक पहुंचा हुआ था। लगभग 25 बच्चों को यहां से सुरक्षित निकाला जा चुका है और आग भी पूर्ण तरीके से बुझाई गई है। कोई किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। फायर सर्विस के और थाना पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे फायरमैन को इंजरीज भी हुई है। इसमें आग पे तत्काल काबू कर लिया था, आग बुझा दी गई है, लेकिन स्मोक बाहर निकालने के लिए, धुआं बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ वगैरह थी उसको तोड़ के धुआं भी बाहर निकाला गया है। आग लगने के कारणों की अभी फायर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिन करेंगे उसको, किस वजह से आग लगी इसको इसका पता लगाएंगे। यहाँ बेसमेंट में कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, कुछ वर्कशॉप का सामान पड़ा हुआ था, उसी में आग लगी है। आग के कारणों का पता फायर एक्सपर्ट्स एग्जामिन करके लगा लें। बिल्डिंग में आग से निपटने के लिए उपाय थे कुछ व्यवस्थाएं किस तरीके से? ये आप जानते ही हैं, ये पूर्ण शहर में मानकों के अनुरूप फायर फाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। 250 से अधिक यहाँ के प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स को एग्जामिन किया गया है और उसमें फायर इक्विपमेंट्स और फायर फाइटिंग की व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है। अब इस घटना के बाद इसी सप्ताह में शहर में जितने भी कोचिंग क्लासेस चलते हैं, ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, उन सभी पे फायर मानकों के अनुसार व्यवस्था है या नहीं है इसका अभियान चलाकर इसको ठीक कराया जाएगा।